बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना शानदार स्वागत करने के लिए। ये सब जीके लाइव केयर में संभव है, वरना सही कहा था जोनी जी ने, इतना खतरनाक स्वागत तो शादी में भी नहीं होता है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है दोस्तों। हदे जुनून हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, डर लगता है हमें कामयाब होने से तो हम मर क्यों नहीं जाते। और आज भी अगर जिंदा है इस धरती पर, सपने पूरा नहीं कर सकते अपने और अपने परिवार के, तो हम वास्तव में मर क्यों नहीं जाते। दोस्तों बहुत आसान होता है ये कह देना कि मेरा भी सपना है, मेरा भी है, मेरा भी वो है, लेकिन हम करता कितना है उसके लिए, क्या हम कर पाते हैं अपना। अपेक्षा हमारी 20,000-30,000 कमाने की है, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है, चले से कर लेगा ना, होता है ना सर। हम जाते हैं कई लोगों के पास, बताते हैं उनको हमारा ये बिजनेस है, लेकिन वो बड़े एटीट्यूड से, नहीं जी मैं 20,000 कमाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी टीम में 200 लोग ऐसे जो 20,000 रुपए कमाते हैं, अच्छा लगता है। Yes, no? Yes, sir. लेकिन हमारी वजह से कितने घर में कितने कमाते हैं, ये बड़ी बात होती है। हमारे एक डायरेक्शन की वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बाद अपनी जिंदगी को सफल बना पाते हैं, ये बड़ी बात होती है। हमारे एक निर्णय की वजह से, ये सोच के दोस्तों जो नहीं किया था बहुत ज्यादा इनकम होगी, सिर्फ ये सोच के जो नहीं किया था कि मेरे एक निर्णय लेने की वजह से अगर एक व्यक्ति की जिंदगी भी बदल पाया तो जीके लाइफ केयर को ज्वाइन करना वास्तव में मकसद सफल होगा। और अपनी जिंदगी का एक तो मकसद है कि मेरी वजह से कोई एक व्यक्ति भी सफल हो तो शायद वो मौका मुझे जीके लाइफ केयर से मिला, वो एक मौका मिला जीके लाइफ केयर। वास्तव में बहुत ज्यादा है, होटल वाले की इंस्ट्रक्शंस बार बार आ रहे हैं पिछले आधा घंटे से, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, एक मूल फंडे में बात करना चाहूंगा आप सभी से। सिर्फ समय और संख्या का खेल है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आज युवा लोग बहुत ज्यादा हैं और वास्तव में ड्रीमर बहुत ज्यादा है। यस नो? यस सर। कितने लोग ऐसे जो सिर्फ ड्रीम की वजह से जीके लाइफ केयर में आने जा रहे हैं या आ चुके हैं, अभी कुछ लोगों का ड्रीम जागना बाकी है। दोस्तों वास्तव में आज आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ पर डिसीजन लेने के बाद आप वास्तव में ये कहने का हकदार नहीं रहेंगे कि हमने अपने ड्रीम को ज्वाइन नहीं किया था। वास्तव में अगर आपके ड्रीम है तो आपके सामने बहुत सारे लोग अभी आप सुनते जा रहे हैं। सुना आपने सभी को, सिल्वर का सुना, गोल्ड को सुना, रूबी को सुना, प्लेटिनियम को सुना, क्या आप लोगों के बीच से हैं? यस सर। नो? ऐसा तो नहीं कुछ स्पेशल उनके पंख होंगे, चार पैर होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना दोस्तों। अगर वास्तव में सपने ऊपर वाले ने बनाए, हमारी सारी खुशियां ऊपर वाले ने बनाए, कार किसका चलाने के लिए दी है, इंसान चलाए। यस सर। नो? एरोप्लेन में बैठकर आप बैंक को घूमने के लिए जाए, जो कि मेरा अभी कंप्लीट हुआ है, वो किसके लिए है, इंसान के लिए है, हमारे और आपके लिए है। यस नो? यस सर। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आप अपने सराउंडिंग में चेक कर लेना, मैं चलो यही चेक कर लेते, कितने लोग ऐसे बैंक को घूम के आए हैं आज तक, एनीवन, कोई घूम के आया क्या? एक शख्स है, सुनील सैनी जी। दोस्तों मेरे गुरु हैं, जोरदार ताली चाहूंगा इन्हीं की मदद से। दोस्तों अपनी फैमिली का पहला सा बंदा हूं जो सुनील सैनी जी की वजह से बैंक को घूमने गया था और इस बार फिर जाने वाला है इसी प्रोजेक्ट की वजह से। दोस्तों समय और संख्या के खेले, जितने कम समय में जितने ज्यादा लोगों को आप बताते चले जाएंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ आते चले जाएंगे और उन्हीं लोगों में से आपके साथ काम करने वाले लोग निकलते चले जाएंगे। आपकी टीम अगर 2-4-10 लोगों की है तो साथ से बैठना नहीं है, उनकी लिस्ट बनवानी है, उस लिस्ट पे तेजी से काम करना है, अपने जैसे लोग क्रिएट करने हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, अपने आप सर में लगे रहते हैं लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति आता है उसको हम सिखाने में टाइम नहीं देते। कुछ कर रहे होंगे इस तरह की गलतियां भी और होती भी है स्वाभाविक, क्योंकि इंसान है गलतियों का से ही सीखता है। तो अपने साथ आए हुए व्यक्ति को भी सिखाएं, थोड़ा उसको भी बताएं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करें और बताएं किस तरह से और अच्छे तरह से बता सकते हैं, कर सकते हैं इतना काम। यस सर। जितनी जल्दी आप अपने जैसा अपनी टीम मेंबर को बनाते चले जाओगे उतनी जल्दी आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करता चला जाएगा। यही कारण है आपके सामने जो छोटे छोटे से उम्र के लड़के खड़े थे, लड़कियां खड़े थी, अभी एक लड़की बहुत कम समय उसको हुआ है ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आप ही के बीच से निकल कर गई और आज सिल्वर जोन पे थी। मिस सालू जी जोरदार ताली होनी चाहिए, मैं जल्दी से स्टार्टअप करें, स्टार्ट करने के बाद अपने आप को प्रूव करें और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, बहुत सारे लोग सपोर्टिव आपके लिए है, जल्दी करें। लास्ट इतना कहना चाहूंगा, पानी को बर्फ बनने में समय लगता है, लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं पानी फ्रिज में डाला तुरंत से बर्फ बन जाता है, नहीं, पानी को बर्फ बनने में समय लगता है, समय को बदलने में वक्त लगता है। तकदीर किसी की हम बदल नहीं सकते लेकिन
घोंसलों मेहनत के साथ अपनी तकदीर को लिखने में भी वक्त लगता है।